गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड में आज सैकड़ों की संख्या में आजसू के कार्यकर्ता व स्थानीय नेताओं ने 16 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और जमकर हो हंगामा किया। बताया गया कि प्रखंड कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार, पुलिस की दबंगई और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार समेत 16 मांग को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया और अपनी मांग पूरी नहीं होने पर आजसू के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को जिला स्तरीय व्यापक आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस दौरान आजसू कार्यकर्ताओं ने आजसू पार्टी के बैनर तले पैदल मार्च का भी आयोजन किया, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महिला उत्पीड़न बंद हो जैसे नारे का प्ले कार्ड भी हाथ में पकड़ रखा था। कहाँ तक पहुँचने जा रही है? फिलहाल तो भ्रष्टाचार की भी बातें आ रही है सामने, कई तरह की बातें आई है, क्या अब आयसू इन मुद्दों को लेकर के कहाँ तक जाएगी? जी आज ये लोकल कंडे पे जो विधानसभा की है, विधानसभा के जो प्रभारी हैं अर्जुन बैठा जी के नेतृत्व में बेंगाबाद प्रखंड में जो व्याप्त भ्रष्टाचार जो गरीबों का है थोड़ा जोर से गरीबों तक नहीं पहुँच रही है, उसके लिए आवाज़ इन्होंने उठाने का काम किया और हम लोग इनको बल देने के लिए आए हैं, ताकत देने के लिए आए हैं। सरकार आज के समय में गरीबों का जितना भी लाभ है सभी लाभों को कहीं ना कहीं बंटवार कर रही है, चाहे आप पीडीएस में जो गरीब को चावल मिलता है उसकी बात करें या गरीब कहीं पर रसीद कटाने के लिए जाता है कर्मचारियों को पीछे उसका चप्पल घिस जा रहा है, उसका रसीद नहीं कट रहा है। आप मनरेगा की बात करें जो गरीबों के लिए लाया गया था, वो मनरेगा में जाइए तो मनरेगा का वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो ये जो गरीबों का लाभ जब वृद्धा पेंशन में जाइए, विधवा पेंशन में जाइए, विकलांग पेंशन में जाइए, आज के समय में कि सभी अधिकारों से वंचित है और आज के समय में जो गाँव घर के गरीब जो वंचित पीड़ित लोग हैं उन सभी लोगों को नेतृत्व करने वाले हैं, वो नेतृत्व करके आज यहाँ पर आए हैं अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, आवाज़ रखने के लिए, सरकार को जगाने के लिए और सरकार के पदाधिकारियों को ये बताने के लिए कि आप इन सारे कामों को करने का करिए, आने वाले दिन में हम रूप से आंदोलन करके सरकार को इसमें जगा करके लोगों के निदान समस्याओं का निदान कराने का काम करेंगे। धन्यवाद। लोग शामिल हुए क्या हम लोग पूरे झारखंड में भ्रष्टाचार जो लिप्त है और पूरे पूरे प्रखंड पूरे विधानसभा पूरे जिले में जो भ्रष्टाचार है आप देखते हैं, नल योजना जो अभी लग रहा है कहीं लगा रहा है कहीं पानी निकल रहा है, आज जो भी काम काज हो रहा है वो भी देखिए दूर दूर में काज हो रहा है, कहीं ना कहीं लूट भ्रष्टाचार है और आज बिजली का देखे हम लोग स्वास्थ्य विभाग देखे चाहे हम लोग खाद आपूर्ति विभाग देखे आप लोग बालू उठाव देखे जैसे बात हो रही थी हमारे जब टेंडर होता है जब बालू में टेंडर होता है तो कहीं ना कहीं बालू उठा के सरकारी काम योजना बन जाती है लेकिन जब जनता कहीं से उठाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से गाड़ी पकड़ी जाती है और अपने घर बनाने के लिए बालू नहीं जा पाते, तो सरकार से हम मांग करते हैं कि कम से कम गरीब जनता के लिए बालू छूट करें और कहीं ना कहीं गरीब को जनता को तरसाया जा रहा है और आने वाले समय में जनता ने सभी ये सरकार है उनको धोखा देने का काम करेंगे और 24 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कई लोग आए थे आवेदन लेकर के भी अपनी अपनी समस्या लेकर, कुछ आवेदन आया जिस विभाग का आवेदन है उसको हम लोग जाँच करेंगे और जांच करके जो नियम कानून की संख्या वो हम लोग पूरा करेंगे और जो नहीं करेंगे उस पर कार्रवाई करने के लिए हम धरना लागू करने के लिए प्रेरित करेंगे, यदि नहीं करेंगे तो उनके लिए धरना करेंगे। धन्यवाद। ये धरना का कार्यक्रम आयोजित होने का कारण की सरकार जो हेमंत सोरेन की चल रही है, जो सरकार ने हम सब लोगों को कहा और हम सब लोगों से मत लेके कुर्सी पे बैठने का काम किया, आज वो काम जो है नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा। सरकार ने कहा कि सभी को हम आवास देंगे जिसमें बाप भी रहेगा, माँ भी रहेगा, पुतो भी रहेगा और उसमें शौचालय भी रहेगा। हमको नहीं लगता बेंगाबाद में किसी को इस तरह का आवास मिला होगा और आज ये धरना का जो कार्यक्रम है ये धरना का कार्यक्रम सीधा सीधा गरीबों को लाभ पहुंचाने का मांगों को यहाँ पर रखा गया है। आज बेंगाबाद के अंदर चाहे इस गांडे विधानसभा या गिरिडीह जिला के अंदर किसी भी गरीब का आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं मिल रहा। आज जाइए पीडीएस दुकान में दुकानदारों के पास तो आप देखिए
जितना भी यहाँ पर एमओ है, डीएसओ है, राज्य तक लड़ने वाले आंसू पार्टी है। आज हमारे पूरे झारखंड में सुखाड़ घोषित के लेके हम लोग जैसे धरना दिए हैं, खास करके हमारे इस पूरे विधानसभा में सुखाड़ और सुखाड़ घोषित करना होगा, नहीं तो हम लोग यहां से लड़ेंगे और राज्य तक लड़ने के लिए तैयार है। हमारे बीच में उपस्थित नल जल योजना चल रहा है और नल जल योजना चल रहा है ना, इधर से फिर कर रहा है, उधर से उड़ जा रहा है, इधर से फिर करेगा, उधर से पानी निकल रहा है। ऐसा हमारा सरकारी योजना चल रहा है जो राज्य सरकार का एकदम दुरुपयोग हो रहा है, पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। नल योजना आज तक जांच नहीं हुआ, इतना कार्यक्रम हुआ, इतना हुआ, हम पीएचडी स्कूटी को बोलते हैं कि आप सुधारें, नहीं तो आंसू पार्टी सुधारने के लिए तैयार होगा। आप सुधार के रखने के लिए आंसू पार्टी तैयार है। एक एक आंसू पार्टी लाकर आपके पास जाएंगे, एक एक महिला जाएंगे और ऑफिस से उठा के लाके जहां तक खराबी है आपको वहां लाके खराब प्रकार से रखेंगे। ऐसे हमारा आंसू पार्टी है। जल नल योजना हमारा सरकार पूरा मीटिंग नंबर उठा रहे हैं, हर बार उठा रहे हैं, आप जांच नहीं करा रहे। क्यों भैया? कि आपको पैसा मिला हो। ये सरकार भ्रष्ट है, हमारे सरकारी अफसर भ्रष्ट है। पूर्व यहाँ के वीडियो सीओ थे, उन लोग इतना यहाँ किया कि रजिस्टर टू भी नहीं मिल रहा था। हम रोज मोबाइल में देखते, रजिस्टर टू भी फटा गया, रजिस्टर टू भी चोरी हो गया है, नरेगा भी चोरी हो गया है। हम उस वीडियो सीओ को बोलते हैं कि यहाँ के आंसू पार्टी, यहाँ के जनता जांच करा करेगा, आप लोग को जेल भेजने का काम करेंगे और बेंगाबाद प्रखंड के सभी जनता को जेल भेजने का काम करेंगे। आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है, आंसू पार्टी तैयार है और बेंगाबाद का प्रखंड का जनता तैयार है और एक एक जनता को हिसाब लेने के लिए तैयार है। आज हम लोग बारह शिक्षा के बात करते हैं, 1932 का बात करते हैं। भैया 1932 क्यों बात करते हैं? 12 से तो लोकल है, उन लोगों से स्थायी क्यों नहीं करते हैं? मानते क्यों नहीं बनाते हैं? जो शिक्षक को अपने काम में कहते हैं कि पढ़ाई शिक्षा खराब है, आपने खराब कराते हैं। अब उसे ऐसा काम देते हैं, खिचड़ी बनाना है, चावल खाना है, ऐसे ऐसे काम कराते हैं शिक्षक से, तो पढ़ाई कब करेगा? शिक्षा दुष्ट कराने के लिए आपको यहाँ का प्राइवेट स्कूल करता है और जो सरकारी स्कूल है उसमें शिक्षा नहीं हो पाता है। कारण आपका गड़बड़ी, गड़बड़ी सब कहाँ है? सब में गड़बड़ी। हम गड़बड़ी खोजेंगे कि नल में पानी चल रहा है, वहां पानी निकल रहा है गंदा, गंदा कहाँ है? तो सरकार में है। कहाँ नल गंदा है? टंकी पे गंदा है। जब टंकी गंदा रहेगा तो पूरे गंदा ही निकलेगा पानी। उसी तरह झारखंड सरकार में गंदगी है तो पूरे भ्रष्टाचार है, इसलिए पूरे भ्रष्टाचार पूरे झारखंड में। इसलिए और हम लोग शिक्षा पर बोले थे, बिजली की व्यवस्था, आप हमारे पूरे जिले में जब बिजली का व्यवस्था सुनिएगा तो बड़ा स्पष्ट होगा। बहुत ऐसा है, सभी बोलेंगे, फोटो लेंगे कि हम ट्रांसफार्मर लगा दिए। कितना भैया? फ्री नहीं लगा, बोल 25,000 गांव से तहसील के लिए तब लगा। 25,000 तहसीले तो आपका ट्रांसफार्मर लगेगा और क्या करना है? 3 लाख से 5 लाख लिया गया है। ये प्रमाण दे हम सकते हैं कि हमारे गांव और हमारे गली का और हमारे लोग से मांगा गया और मेरे गांव के प्रखंड अध्यक्ष जो थे उनके बेटा भाई नहीं तो नहीं लगाया गया, ऐसे चपरासी के लिए कभी काम किया। ऐसे सरकार बोलता हमने 1932 हम लागू कर रहे थे, बोल फलना इनलिए बोल नहीं चाह रहा। अरे आप सत्यापन लागू कर सकते हैं, प्रस्ताव ला सकते हैं, सब कुछ आपके साथ है, लेकिन आप बोलते हैं नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? आपके पास सब चीज है, आप पूरी सरकार है, आपके पूरा टीम है, आपके पास सभी मंत्री है, आपके सरकार जो चाहिए जितना चाहिए आपका जितना है जितना आपका शक्ति है वो सब है, कहीं तो कमी नहीं, कहीं ना कहीं दिक्कत है। हर कहीं ना कहीं सरकार का लूट तो लूटते रहेंगे, लेकिन आज हम लोग अभी पूर्व वीडियो सीओ थे, लेकिन हमारे जो अभी निशा कुमार जी आई है वीडियो, गिरिडीह में कुछ दिन पहले ट्रेनिंग की थी, उनसे हम बात कर रहे थे आप कैसे हैं, कहाँ से हैं, तो बोल रहे थे हम लोकल हैं, रामहिक हैं, लेकिन भैया हम लोग क्या करें, हम लोग तो अभी ट्रेनिंग में हैं। तो हर जगह ट्रेनिंग किए और गिरिडीह प्रखंड में ही और गिरिडीह जिले में किए ट्रेनिंग। आज पहला पोस्टिंग आपका मैंने बेंगा प्रखंड है। और इस मंच से हम निशा कुमार वीडियो माध्यम को कहना चाहते हैं कि जो वीडियो सीओ काम करके चल गया वो आप नहीं करें, आप यहाँ का जनता को सेवा करें और सेवा करने के लिए आए हैं तो सेवा करें। और यहाँ का जो आप कुछ दिन पहले जिस अवस्था में आप पढ़े लिखे थे उसमें सोच रहे थे कि हम कैसे काम कर रहे थे, आज वीडियो है, यहाँ का जनता का सेवा करें। और हम आपसे आशा करते हैं कि आप जैसे और यहाँ पर वीडियो है लाके आप सेवा करके सेवा करने के भाग भाग मैंने भाग भाग है कि आप जरूर सेवा करेंगे। नहीं
तो आसे पासे आपके लिए भी तैयार रहेंगे और हमारे भी जो डीलर लोग हैं, जो एमओ हैं, अभी चावल को राखी बोल सबको घटा दिया है, तो सरकार ने नहीं दिया, चावल बहुत रोती कर दिया, तो चावल क्या कहा भैया, कटौती किया कौन भैया, कहाँ चल गया, हुड़ कहाँ गया, अभी तो हमको नहीं लगता कि चावल का कमी था, लेकिन कहीं नहीं कि घोटाला सरकार के अंदर है और सरकार ने घोटाला किया है, जो आज जन वितरण प्रणाली दुकान में वो जनता को नहीं मिल पा रहा है, जो कटौती किया है उसमें कहीं नहीं कि सरकार का घोटाला किया गया है, सभी अफसर का भी घोटाला इसमें हाथ है, अभी जाँच हो रही है, हम देख रहे थे बिरनी में कि कितना 70,000 क्विंटल कितना वहां से पता नहीं कहां चल गया, गिरिडीह में कितना चावल कहां चल गया, कहां बिक गया पता भी नहीं रहता, वहां जांच होता कहीं पता नहीं कि चावल कहां चल गया, खाली घोटाला ही घोटाला, तो भाई आप जांच कीजिए सही के लिए और फिर दुरुस्त रखिए, आपको कोई नहीं धोखा दे सकता, आपने धोखा देंगे तो जनपुर धोखा देगा, इसमें आपको फेंकने का काम करेगा, आपने बोले थे कि हम रोजगार और शिक्षित को ऑप्शन देंगे, हमें लगता है कि 5,000 एक और चीज बोला प्रधानमंत्री आवास में हम लेट्रिन बाथरूम देंगे, आवास देंगे, माँ पिता को रहने के लिए भी देंगे, आज तक एक भी प्रधानमंत्री आवास में एक एक भी घर नहीं बना, आपने घोषणा किया था चुनाव के समय, घोषणा किया था वहां भी नहीं मिला, आपने दाखिल खाद के बात किए थे, गर्मिया जमीन ने बात किए थे, कुछ भी नहीं किए, कहते हैं कि बोल हम जनता के साथ जाके काम कर रहे हैं, तो पंचायत किस लिए है, पंचायत भवन किसके लिए है, विकलांग के लिए है, महिला के लिए है, पुरुष के लिए है, आपने वहाँ बाकी वहाँ का पंचायत सभी बैठे, वहाँ रोजगार सभी बैठे, तो विकलांग वहाँ स्वास्थ्य विभाग बैठे तो काम हो सकता है, विकलांग लोग कहाँ जा सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग को रहा कि स्वास्थ्य विभाग पूछा, ये स्वास्थ्य विभाग जो है ना उसमें डॉक्टर बीमार तो नहीं जानो ना, जैसे मेरिया जो है डॉक्टर वे बीमार है, तो हमने कहाँ रखे, देखो भी तो गड़िया तड़िया सब ऊपर से धरा के लेते हैं मांगो ना, तो सर कहा गड़िया तो बीमारी कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, सरकार का तो स्वास्थ्य विभाग बहुत है, और डॉक्टर जीवो तो डॉक्टर ही ना मिलता न कोई वहाँ जो तो सुबह भूखेला के मिलते चपरासी मिलते सुबह दे तो बोलो ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं प्रस्तुति लो हमारे पास कहीं ना वहाँ का कहीं ना मृत्यु होता है, स्वास्थ्य विभाग का हमारा गलती नहीं, इसलिए जानो कि स्वास्थ्य आज पहुंच रहा है, हम तो कहेंगे कि नहीं पहुंच रहा है, अपना का काम फ्री कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, गरीब मजदूर काम कर रहा है तो क्या गरीब का उसका भुगतान हो रहा है नहीं हो रहा है, आज गरीब जो है गरीब ही है, और हेमंत सरे गरीब का वोट लेकर आज कुर्सी पाने का काम किया है, और जब यहाँ पर चुनाव था 2019 में लोगों को ये कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1932 लागू करने का काम करेंगे, और 1932 यहाँ कैबिनेट में लाने का काम किया, लेदा ने विधानसभा में लेदा ने काम किया, विधानसभा में पास हुआ, लेकिन ये सारा था हम सब लोग धोखा देने का काम कहा है, इस बार फेंकने के लिए आपकी एकजुटता की आवश्यकता है, के लोग पूरे झारखंड में जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, जनता को आगे लाने का काम कर रहे हैं, और आपके नेतृत्व में ही झारखंड में एक नया परिवर्तन आएगा, और वो परिवर्तन गांधे से शुरू होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि गांधे के लोग की रोज खरोज के साथ अर्जुन बैठा जी के साथ नेतृत्व देने का काम है, हमें पूर्ण विश्वास है इस बार आने वाला 2024 में यहाँ पर नया परिवर्तन होगा, और गांधे का आदमी यहाँ पर विधायक होगा, और एक नया परिवर्तन के साथ हम गरीबों का सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए पहल करने का काम करेंगे, आज संकल्प लिया है कि सरकार जितने भी कुकर्मों को कर रहे हैं हम जनता तक पहुंचाने का काम है, सरकार के खिलाफ लड़ने का करेंगे, सरकार के विरोध में बोलने का काम करेंगे, इस सरकार को चैन से रहने नहीं देंगे, आज पूरे झारखंड प्रदेश के अंदर सुदेश महतो के नेतृत्व में लोग गोलबंद होने का काम कर रहे हैं, लोग का काम कर और लोग को ये पता है कि सुदेश महतो मत है, सुदेश महतो विजन है, और सुदेश महतो झारखंड में नया बदलाव लगता है, हमारे शहीदों ने झारखंड अलग राज्य के लिए संघर्ष का झारखंड के लिए लड़ने का काम किया, कितने लोग जेल गए, कितने
लोग पुलिस की लात लाए, लेकिन किस लिए आए थे? ये भ्रष्टाचार फैलाने के लिए खाए थे, झारखंड अलग राज्य लेने के लिए खाए थे। झारखंड में जो शहीद है आज सब शहीद होगा, अरमानों को पूरा करने का काम अगर कोई कर सकता है तो हमारा सुदेश महतो कर सकता है। वो तो सुदेश महतो के नेतृत्व में यह नया परिवर्तन हम लोग झारखंड में ला सकते हैं। इसलिए ला सकते हैं कि झारखंड देश के अंदर जब कभी भी सरकार सुदेश महतो रहा है, अब देख लीजिए उसका विभाग को उठा करके अगर पीडब्ल्यूडी में रहा तो पीडब्ल्यूडी काम को देख लीजिए, पूरे प्रदेश में रोड को छटकाने का काम किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय संभालने का काम किया तो ग्रामीण विकास मंत्रालय में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया और महिलाओं को चौखट से निकाल घर से निकाल कर बाहर में उसको वार्ड मेंबर और पंचायत समिति और मुखिया जिला छतवाने का काम किया, उसके हाथों में नेतृत्व देने का काम किया, उसके हक अधिकार को लेने के लिए सिखाने का काम किया। आज पूरे प्रदेश के अंदर कोई अगर काम करने वाला नेता है तो सुदेश महतो है और हम सब लोग सुदेश महतो के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर में एक नया परिवर्तन हो और झारखंड की जो अरमान थी, शहीदों का जो अरमान था, उस अरमान को पूरा करने का काम करेंगे। और आज के समय में हम पूर्ण विश्वास है कि गांधी में नया परिवर्तन का लहर चला है और इस नया लहर को आप जिंदा रखने का काम करिए। हम आपको आश्वस्त और विश्वास दिलाना चाहते हैं कि गांधे के लोग निराश नहीं होंगे, गांधे के लोग उत्साहित रूप से आप काम करने का काम करिए। आपके पीछे पूरा आजसू पार्टी है और आजसू पार्टी आपका पीछे आपके पीछे खड़ा है, देश मा तो आपके पीछे खड़ा है, गरीबों के पीछे खड़ा है और आपका समय सब निदान करने आप ही लोग आकर अपनी सत्ता को दिखाने का काम किए हैं। इसलिए मैं अपनी ओर सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिन इस उमाकांत रजक को जब कभी भी गांधी विधानसभा में आपने याद आप आए, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आपके इस परिवर्तन की लड़ाई में हम आपके साथ चलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।